जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते एक नए वीडियो में। और आज मैं नौगांव से जो है गुवाहाटी जा रहा हूँ। गुवाहाटी में एक बहुत फेमस जगह है जिसका नाम है माँ कामाख्या मंदिर, जो आपका जो है नीलाचल पर्वत पर जो है स्थित है। उस मंदिर को मैं आज इस ब्लॉग के माध्यम से जो है पूरे दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ, जो हमारे असम में एक जो कामाख्या मंदिर है वो क्यों इतना फेमस है। तो इस ब्लॉग के साथ बने रहें। मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये है आपका कामाख्या मंदिर। जो है कामाख्या मंदिर है, ये कामाख्या मंदिर बनने के पीछे जो है बहुत कहानी है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। जब आपका जो है शिव जी के जो ससुर थे उनका नाम दक्ष था, तो उन्होंने एक यज्ञ रखा था। यज्ञ में जो है पूरे जितने भी देवतागण हैं सबको जो है निमंत्रण किया गया सिवाय शिव जी को छोड़कर। जब पार्वती जी उस यज्ञ में पहुँचे तब उन्होंने जो है राजा दक्ष से जो है आपका ये सवाल पूछा, जो हम मेरे पति को आप क्यों नहीं बुलाएं। तो उसी बात में जो है बहुत सारा मतलब क्या भरा बुला कहा गया। उसके बाद जो है सती ने अपना जो अब मतलब जो शरीर है उसे अग्नि में जो है आपका कूद कर जो है अपनी जान दे दिए। उसके बाद में जो है जब भगवान शिव को पता चला तब वो सती का जो शरीर है उसे लेकर जो है शिव तांडव करते रहे। उसके बाद जब भगवान लोगों ने देखा जो अगर ऐसे ही रहा जाए तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, तो इसी कारण से है जो विष्णु भगवान ने जो है अपने चक्र से सती का जो है जितने भी अंग थे उनको मतलब क्या है जो चक्र था उससे काटा गया। उसके बाद उसमें से जो है आपका एक जो आपका अंग होता शरीर का वो यहाँ पे योनि जो है इस माँ नीलाचल पर्वत पर पड़ा। उसके बाद ये जो है आपका उसी के बाद जो है ये 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जो है हमारा कामाख्या मंदिर है। तो ये कहानी है इसके पीछे का। और ऐसे मेला जो है वो क्यों होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे लड़की लोगों का जो जैसे कि पीरियड्स होता है तो सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी होता है। जैसे कि माता की योनि यहाँ पे जो गिरी थी उसके बाद ही ये कामाख्या मंदिर हुआ था। तो यहाँ का कहना ऐसा है जब अंबुवासी मेला होता है तो 3 दिन के लिए आपका कपाट बंद किया जाता है। और जब कपाट बंद होने से पहले जो है एक सादा जैसे वस्त्र होता है तो उसको जो है वहाँ पर आपका लिटा दिया जाता है। और 3 दिन बाद जैसे ही आपका जो है जब कपाट खुलता है, खुलने के बाद वो पूरा का पूरा जो आपका जो वाइट कपड़ा रहता है वो लाल हो जाता है। जैसे पीरियड्स होने पे जो है जैसे खून निकलता है तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। और उस कपड़े को जो है प्रसाद के रूप में यहाँ पर बांटा जाता है। दूसरे जगह की मंदिरों में जो है मिठाई वगैरह आपने देखा होगा, जैसे मिठाई वगैरह दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब अंबुवासी मेला होता है तो इसमें जो है आपका जो कपड़ा जो लाल हो जाता है उसी को जो यहाँ पर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और ये अंबुवासी मेला जो है आपका जून जुलाई के टाइम पे होता है। तो अगर आप और एक बात है, यहाँ पर जितने भी मतलब क्या है ये जगह को जो है तंत्र मंत्र का जगह बताया गया है। जितने भी बड़े बड़े मतलब जैसे साधु हो गए, पुजारी हो गए, जो तंत्र मंत्र की जो शिक्षा लेना चाहते हैं वो कामाख्या मंदिर में ही आकर जो है यहाँ पर शिक्षा दीक्षा जो भी यहीं पर लेते हैं। जहाँ पे आपका जो ढोल वगैरह जो बजाया जा रहा है वहाँ पर जो है बलि दिया जाता है। ठीक वहाँ पर बलि दिया जाने का कारण यह है वहाँ से जो माता का जो मेन जगह है वहाँ पर जो है वो पूरा खाली रहता है, स्पेस थोड़ा दिया जाता है जो माता तक वो बलि डायरेक्ट पहुँच सके। तो इसीलिए जो वहाँ पर बलि दिया जा रहा है, जैसा कि आप लोग ढोल वगैरह का जो है साउंड वगैरह आप सुन सकते होंगे।
जब मंदिर से आप निकलेंगे उसके बाद जो है यहाँ पर प्रसाद के लिए भी यहाँ पे रखा गया है, जहाँ से आपको जो है पहले टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेने के बाद जमा कीजिए, उसके बाद जो है माँ कामाख्या का जो है प्रसाद आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये माँ कामाख्या का जो प्रसाद आपको ग्रहण करने मिलेगा, बहुत स्वादिष्ट होता है, टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा लगा क्या नहीं। तो अंदर से जो है प्रसाद वगैरह जो खा के आए हैं, प्रसाद मतलब आपको मैं बता रहा हूँ ऐसा है जैसे मैं आज से 7-8 साल पहले यहाँ पे आया था, तो जो टेस्ट प्रसाद का उस समय था सेम टेस्ट आज भी है। और यहाँ का जो प्रसाद का एक खासियत है, कभी टेस्ट इसका चेंज नहीं होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।